आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को जिला प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से निकाली गई तिरंगा झंडा वाहन रैली से शहर का माहौल देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। लोगों ने हाथों में तिरंगा लहराते पुष्प वर्षा कर रैली का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कई जगह आतिशबाजी कर आजादी के जश्न को ओतप्रोत रंग दिया। पुलिस कंट्रोल रूम से राष्ट्रगान के बाद प्रारंभ हुई तिरंगा रैली के शुरुआत में बाइक पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर सिद्धू एक ही बाइक से रवाना हुए। रैली के आगे सजे धजे पुलिस के घुड़सवार बैंड बाजों के साथ निकले। इसके बाद बाइक और पुलिस के दर्जनों वाहन इस रैली में शामिल हुए। रैली कोलपियाओ चौराहा, सूचना केंद्र, भोपाल क्लब, थाना भीमगंज, टीबी अस्पताल, माणिक्य नगर चौराहा, श्री गेस्ट हाउस, रोडवे बस स्टैंड, लव गार्डन, मजदूर चौराहा, गायत्री आश्रम, अजमेर चौराहा, जेल चौराहा, कलेक्ट्रेट, स्टेशन कोर्ट चौराहा होकर रेलवे स्टेशन होकर पुनः सिटी कंट्रोल रूम में पहुंचकर संपन्न हुई। रैली जहां जहां गुजरी वहां वहां लोगों ने गर्मजोशी के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। चौराहे पर तो जमकर आतिशबाजी की गई। लोग देशभक्ति नारे लगाकर हौसला अफजाई करते नजर आए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने इस मौके पर कहा कि आजादी के सेनानियों को याद करने के साथ ही युवा वर्ग को आजादी के अमृत महोत्सव के महत्व को बताने को लेकर यह रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के मौके पर निकाली जा रही रैली का मकसद लोग आजादी के इस महोत्सव में अधिकाधिक शामिल हों। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो आज तिरंगा रैली पुलिस प्रशासन द्वारा निकाली जा रही है, उसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसके अंदर सिटी में ग्राउंड रहेगा, उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पर कंट्रोल रूम के सामने रखा गया है। मकसद यही है कि आज़ादी जिस भाव से हमारे को मिली थी वो लोगों तक पहुँचे और उसी संकल्प के साथ हम इस देश को और आगे तरक्की की राह पर ले जाएँ और सबका इसमें योगदान रहे। संदर्भ में रैली रखी हुई है, हम आशा करते हैं आप सबका सहयोग। रैली का उद्देश्य यह है कि जिले में और खास करके सिटी में जो युवा वर्ग है उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव का संदेश दिया जाए। इस पूरे कार्यक्रम से सभी लोगों का जुड़ाव हो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन सेनानियों ने अपना बलिदान दिया उसको हम अप्रिशिएट कर सकें, उस मैसेज को, उस स्टोरी को उस तक पहुँचा सकें। इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज इस अवसर पर मैं समस्त निवाड़ावासियों को बहुत बधाई देता हूँ। जय।